प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में साझा करेंगे जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टरों से किया संवाद। कोरोना के खिलाफ देशव्यापी अभियान के तहत 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन, कई राज्यों में कर्फ्यू लागू। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी समेत सख्त कार्रवाई के आदेश। देश भर में 519 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि। कोरोना वायरस के चलते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया राहतों का ऐलान। अब 30 जून तक भरी जा सकेगी वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न। पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की तारीख भी बढ़ी। कारोबारियों की दिक्कतें दूर करने के लिए आर्थिक पैकेज की तैयारी। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों के लिए स्थगित किए चुनाव। 26 मार्च को होना था मतदान। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर फैसला। 55 में से 37 सीटों पर हो चुका है निर्विरोध निर्वाचन। और कोरोना महामारी के चलते एक साल के लिए स्थगित हुआ टोक्यो ओलंपिक। लगातार बढ़ते दबाव के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था प्रस्ताव। आईओसी ने किया औपचारिक ऐलान।